आज चिकन खाने का बहुत 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 मन कर रहा है। Hi guys, hope you all are fine and safe and मजे कर रहे हो। So today is Saturday। मुझे आज चिकन खाने का बहुत 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 मन कर रहा है बिकॉज बीच में गणपति पप्पा आए थे, उस टाइम पे भी नहीं खाया, देन बीच में थोड़ा पीरियड था खाने के लिए, उसमें थोड़ा खाया एंड डायरेक्ट मैं नवी मुंबई आ गया, तो घर पे भी मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिला बिकॉज घर पे रहता तो बहुत चिकन खाता, उधर चिकन मटन जो कुछ भी रहेगा वो। देन नवरात्रि आ गए, उसमें भी नहीं खाया, अभी नवरात्रि खत्म हुए तो खा रहा हूँ। मैंने कल भी खाया था बट होटल में ना उतना फील नहीं आता चिकन में, तो मैं बोला चलो आज घर पे ही बनाते हैं। मुझे चिकन बिरयानी सब बनाना आता है, मैं सीखा हूँ मेरी मम्मी से बिकॉज बाहर रहता हूँ ना, पहले से ही बहुत बाहर रहा हूँ, तो मैं बोला कि चलो आज अभी बिरयानी बनाएंगे घर पे, मम्मी को भी दिखाऊंगा मैं कैसी बनाई है। आई यस घर पे जैसे बनाते हैं वैसा सब मसाला वगैरह तो नहीं होगा, लाइक घर पे कूट कूट के मसाले बना के उसमें डालते हैं तो वो एक फील अलग रहता है खाने के लिए, बट एज अ बैचलर जिंदगी जी रहे हैं अभी अपन, तो जो मिलेगा उसमें बनाएंगे बट अच्छी ही बनाएंगे। तो पहले अभी चिकन लेके आता हूँ। चलो सभी मसाला वगैरह तो घर पे है ही बिकॉज मैं पहले भी बनाता था, मीन्स अभी घर पे गया था तो उससे पहले मैंने सभी मसालाज वगैरह ला के रखे थे बिरयानी एंड चिकन के, तो उस टाइम पे मैं बनाता था, वो अभी मसाला है। अभी मुझे लेना है दही, हल्दी नहीं है, हल्दी एक लेनी है एंड टोमेटो लेने हैं तो उतना ही, एंड मेन इम्पोर्टेंट चिकन भी लेना है, वो तो इम्पोर्टेंट है, तो चलो अभी लेते हैं वो सभी। एक मोर का मार्केट है, इस मार्केट से अपन अभी प्याज भी लेंगे और टोमेटो भी लेंगे यहाँ से एंड देन चिकन लाने के लिए जाएंगे। मैं अभी प्याज और टोमेटो ले लिए है, अभी चिकन भी ले लेंगे भाई से, अपना दोस्त है वो भाई, एंड देन वहाँ जाके अपने को राइस भी लेना है, एक मेरे दोस्त है भैया उनका किराना का शॉप है, वहाँ से अपन राइस लेंगे, बहुत इधर अच्छा राइस मिलता है बिरयानी का, वहाँ से ही मैं हर बार लेता हूँ। चलो ये शॉप है खारघर के किराना की, सो भाई अच्छा देता है सभी, इधर नाम क्या है बताता हूँ आपको, विश्वास जनरल स्टोर, तो खारघर में रहते हो तो यहाँ से भी लिया करो। तो यहाँ से अपन ले रहे बिरयानी का राइस, तो ये भैया है अपने अच्छे दोस्त है ये, 110 कितने का है भैया राइस, आधा किलो, ओके और हल्दी भी देना, हल्दी हाँ चलेगा। अपने को दही भी लेना है बिकॉज बिरयानी मैरिनेट करने के लिए अपन चिकन डालेंगे तब अपने को दही भी लगेगा। भैया ये दही लिया है, मसाला बिरयानी मसाला दो एक चलेगा, दूसरा कोई है क्या, दूसरा फिर एवरेस्ट का है, हाँ एवरेस्ट का क्या पैक में आएगा ना वो, ठीक है चलो दे दो छोटा वाला। सब तो ले लिया है, अभी इम्पोर्टेंट चीज़ बची है वो है चिकन, अभी भाई से वो चिकन भी ले लेंगे और डायरेक्ट फिर बिरयानी बनाएंगे। चलो तो यहाँ से अपन अभी चिकन ले रहे हैं भाई के इधर के शॉप से, तो अपन ने 250 ग्राम बताया। तो हम अभी सब लेकर आए हैं, ये है अंडे, ये है चिकन, ये है सभी मसाला एंड दही, तो ये है प्याज टोमेटो एंड एक नींबू लेके आया हूँ खाने के लिए भी। तो चलो अभी अपना मेकिंग चालू करते हैं बिरयानी का। पहले तो चिकन को धो के लेना है, धोने के बाद उसे अपने को मैरिनेट करने के लिए रखना है सभी मसाला वगैरह लगा के, पहले तो उसको अपन धो के धो लेते हैं। मैंने हल्दी लाई है, ये नमक है एंड ये खड़े मसाले सभी, मैंने इम्पोर्टेंट राइस बिरयानी का ये शाही बिरयानी मसाला है एवरेस्ट का, ये यूज़ करेंगे अपन, तो इसमें सभी थोड़ा थोड़ा डालेंगे मैरिनेट करने के लिए,
मिर्ची पाउडर है, इसको भी थोड़ा डालेंगे, थोड़ा तीखापन भी चाहिए इसके। ये गरम मसाला, और इसका चिकन मसाला है। पहले से नमक है हमारा, तो थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे बिकॉज बिरयानी करते टाइम भी अपन डालने वाले हैं। इसका मैरिनेशन प्रोसेस चालू करते हैं अभी, इसको अभी एक साथ मिक्स करना है इसको। अभी मसाला अच्छे से लगाया है, अपन चिकन को मैरिनेट करने के लिए डालेंगे फ्रीजर में। फ्रीजर में डालने का फायदा ये रहता है कि फटाक से मैरिनेट हो जाता है। एंड ये बाय ब्रेड किसने लाए थे, इसके अंदर कौन रखता है यार? पैकेट के लिए रख दिया है, तब तक अभी ये दो अंडे भी उबालने के लिए रख रहा हूँ। वो चिकन अंडा बिरयानी बनाएंगे आज। तो अभी अंडे भी उबालने के लिए रख दिए हैं एंड चिकन को भी मैरिनेट करने के लिए रख दिया है फ्रीजर में। अभी अपन काट लेंगे टोमेटो एंड प्याज। ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि अभी वो मधुरा रेसिपीज या जो रेसिपीज के चैनल होते हैं वैसा वीडियो बन रहा है, बट ठीक है बिकॉज अभी बना ही रहे वैसे बिरयानी, तो चलेगा ठीक है ना। अभी साले इस प्याज ने भी रुला दिया। चलो अब ये प्याज को धोते हैं। कर्तन बहुत कुछ ना पाए, धो लेते हैं प्याज को। अंडे उबल गए हैं, प्याज और टोमेटो भी कट हो गए हैं। अभी अपन बिरयानी का प्रोसेस चालू करते हैं। हम अभी इतना राइस ले रहे हैं तो इसमें डालेंगे दोना है राइस भी, और थोड़ा राइस लेने वाले अपन, ये हाफ लेंगे और ना। तो इतने राइस के अपन बिरयानी बनाएंगे। शुद्ध देसी घी डाल रहे हैं इसमें, तो घी थोड़ा अलग ही टेस्ट देता है इसलिए, बस इतना बहुत है। बिरयानी तो अभी कुकर को लगा दी है, तब तक मैं बोलो कि रायता बनाते आज। तो मराठी में हम कोशिंबीर बोलते हैं उसको, वही हिंदी में रायता होता है। अभी अपन रायता बनाएंगे। तो रायते के लिए मैंने सभी प्याज और टोमेटो लिया था, बस उसमें का ही रायता बनाएंगे। अभी वो सभी इसमें डालते हैं। उससे पहले ये जो दही है, दही यूज़ करेंगे। अभी बिरयानी रेडी हो गई है, तो अपन अभी ओपन करते हैं, कैसी हुई देखेंगे। ओहो, दिखने में तो बहुत सही लग रही है बिरयानी। अभी अपने को प्लेट में निकाल लेंगे एंड टेस्ट करेंगे कि कैसी हुई है। सो बहुत इजी एंड सिंपल मेथड से अपनी ये बिरयानी हुई है। और इधर देखो अंडे भी मैंने उबाल के रखे थे, सो बिरयानी के साथ अंडा भी खाएंगे। एंड बिरयानी के साथ और एक चीज़ है, रायता। तो रायता मैंने इधर रखा है थोड़ा सा फ्रीज में ठंडा होने के लिए, अच्छा लगता है ठंडा होने के बाद। एंड ये अंडा,
अपन ये बिरयानी टेस्ट करेंगे और रायता भी। मैंने ही बनाया है, मुझे पता है कि अच्छा ही बना होगा, फिर भी एक बार देखते हैं। तो इसे मैरिनेट हुआ है, मुंह से तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, बस सच में बहुत अच्छा हुआ है, मजा आ गया। फटाक से अभी खा लेता हूँ मैं, जोर की भूख लगी है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था एंड अभी दोपहर के 2 बजे, तो फटाक से खा लेता हूँ ये सभी। Like the video and if you like the video then hit a like button and video share करो अपने family के साथ, अपने दोस्तों के साथ and plan बनाओ बिरयानी बनाने का with this easy recipe and yes subscribe भी करो अपने channel को, subscribe बहुत important है, ये motivate करता है subscribe हम जैसे creators को and yes Instagram पे भी follow करो। bye bye।